गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन में जो SST का पार्ट है इसमें पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिश्तों की समझ। अर्थात इस अध्याय में हम रिश्तों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें हमारे परिवार है, हमारा वंशक्रम है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो परिवार है वो किस प्रकार से होते हैं, सहयोगी परिवार कौन से होते हैं, और एक तरीके से जो समाज से जो एक तरीके से हम कहें कि जिनमें एकलता पाई जाती है, जो अलग थलग रहते हैं, वो परिवार कौन से होते हैं, ये सब परिवार हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से हम दो प्रकार के परिवार पढ़ेंगे जिनमें एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट है आपका रिश्तों की समझ। इसमें ये जो कहानी है इसके माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। दो सहेलियां हैं जिनका नाम है संजना और सलमा, वो एक स्कूल में पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। तो सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर अर्थात जो इंटरवल होता है इसमें हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे, आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। उन्होंने बात करी और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम मध्यांतर में बात करेंगे। जब इंटरवेल हुई तो वो बात कर रही है, क्या बात की उन्होंने, सलमा कह रही है, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ है? तो संजना कह रही है, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा कह रही है, डॉक्टर को दिखाया? तो संजना कह रही है, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। सलमा कह रही है, फिर क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। तो संजना कह रही है, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, दादाजी दादी जी ताऊ जी ताई जी चाचा जी चाची जी, हम सब एक साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो सलमा कह रही है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं, देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन है। अब देखिए, इन्होंने ये जो बात करी इसके आधार पर हम परिवारों को 2 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात जो परिवार है इन परिवारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला परिवार तो ये है और दूसरा परिवार ये है। ठीक है, 2 प्रकार के परिवार हो गए, एक हो गया एकल परिवार और दूसरा हो गया संयुक्त परिवार। अब देखिए, एकल परिवार क्या होते हैं और संयुक्त परिवार क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो एकल परिवार का मतलब ये होता है कि वह परिवार जिसमें विवाहित युगल, अर्थात आप तो सीधा सीधा समझो, वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके जो बच्चे निवास करते हैं। ठीक है, माता पिता तथा उनके बच्चे जिस परिवार में निवास करते हैं उसे हम एकल परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, एकल परिवार जो शहरी क्षेत्र होते हैं अर्थात जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनमें ये अधिक पाए जाते हैं, और दूसरे जो परिवार है वो है संयुक्त परिवार, जो गांव में अधिक देखने को मिलते हैं, अर्थात इनकी जो प्रधानता होती है वो गांव में अधिक होती है। तो जो संयुक्त परिवार है, जो संयुक्त परिवार है ये गांव में अधिक दिखाई देते हैं। अब संयुक्त परिवार किसे कहेंगे, तो संयुक्त परिवार का सीधा सीधा अर्थ है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर साथ में निवास करते हैं। जिस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर एक साथ निवास करते हैं उस परिवार को हम किस नाम से जानते हैं, संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। संयुक्त परिवार में दादाजी दादी जी ताऊ जी ताई जी चाचा जी चाची जी और उनके बच्चे निवास करते हैं। साथ में परिवार में भुआ भी हो सकती है
जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी संयुक्त परिवार में निवास करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक सारणी दे रखी है। इस सारणी के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपके साथ साथ में कौन निवास कर सकते हैं, कौन कौन निवास करते हैं, कौन कौन निवास नहीं कर सकते, और इसके आधार पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो परिवार है वो एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। एकल परिवार है, मैंने बताया आपको, एकल परिवार शहरों में नगरीय क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित जो बच्चे हैं वो निवास करते हैं उन्हें हम एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार गाँव में अधिक होते हैं जिनमें दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ और उनके साथ जो बच्चे होते हैं वो सब निवास करते हैं, मिलजुल कर साथ में रहते हैं, उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये जो ये सारणी दे रखी है, एक तरफ है परिवार के सदस्य और दूसरी तरफ है आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो उनके स्थानों के नाम लिखिए। इसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपका परिवार है वो कौन सा है, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। ओके, अब देखिए इसके बाद में, आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा। एकल परिवारों में बच्चे के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। अर्थात जो एकल परिवार होता है उसमें जो बच्चा होता है उस बच्चे की देखभाल के लिए केवल उसके माता पिता ही रहते हैं, माता पिता ही निवास करते हैं, माता पिता को ही पालन पोषण करना पड़ता है। जबकि जो संयुक्त परिवार होता है उस संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा परिवार के और भी सदस्य निवास करते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, ये सभी मिलकर उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं। इसके बाद में ये कुछ बिंदु है जिनके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि जैसे आपके पड़ोस में कौन कौन निवास कर सकते हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं। इनमें एकल परिवार कितने हैं, संयुक्त परिवार कितने हैं, उनके घर में कितने सदस्य हैं, इन सब का पता आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये परिवार का वंश क्रम दिया गया है। परिवार का वंश क्रम दिया गया है जिसमें संजना का जो परिवार है, जो संजना है उसका जो परिवार है उसका एक वंश वृक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो वंश क्रम है जिसमें अपन सबसे नीचे लेते हैं संजना को, एक तरफ तो उसके ननियाल पक्ष है और दूसरी तरफ उसके जो घर वाले हैं जैसे दादाजी, पिताजी है ना, उनको लेते हैं। तो देखिए एक तरफ है स्वयं संजना, ठीक है, सबसे नीचे, उसके बाद में संजना के पिताजी है जगदीश और फिर उनके पिताजी है मोतीलाल, अर्थात संजना के दादाजी हो गए मोतीलाल। ठीक है, और इसके बाद में जो पापा के दादाजी है, जो पिताजी के दादाजी है, वो पिताजी के दादाजी है अणदाराम जी, जिनको हम बोलेंगे पड़दादाजी, अर्थात संजना के अणदाराम जी क्या हो गए, पड़दादाजी हो गए। उसी प्रकार से दूसरी तरफ लेते हैं तो संजना स्वयं हो गई, इसके बाद में रितु माताजी का नाम है, कमला नानी जी का नाम है और दापूबाई पड़ नानी जी का नाम है, अर्थात जो संजना की माँ है, संजना की माँ की नानी कौन है, दापूबाई। तो संजना की क्या हो गई, पड़नानी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप भी अपने जो घर के जो सदस्य हैं उनके नाम लिखकर ये पता कर सकते हैं। अब आप भी अपने परिवार को पिता व माता दोनों के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी हमारे साथ क्यों नहीं रहते। अर्थात सलमा ने क्या किया, घर आकर अपने जो पिताजी है उनसे सवाल किया कि ये जो सब सदस्य हैं, ये सब सदस्य हमारे साथ क्यों निवास नहीं करते। पिताजी अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया है, क्या हम अपने गाँव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते। तो उसके बाद में जो सलमा के जो पिताजी है उन्होंने जवाब दिया, तो वो जवाब क्या दिया उसका अध्ययन करते हैं। सलमा के पिताजी ने क्या उत्तर दिया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आजकल व्यवसाय के तलाश में, अर्थात काम करने के लिए, रोज़गार के लिए या उच्च शिक्षा पाने के लिए, अर्थात गांव में तो रोज़गार होता नहीं है, अर्थात होता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, अर्थात लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता और गाँव में उच्च शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल भी नहीं हैं, तो क्या है व्यवसाय की तलाश में और उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे। पलायन का मतलब है जब गांवों से लोग शहरों की
की ओर आते हैं तो उसको कहते हैं पलायन। तो शहरों की ओर आने लग गए। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं। शहरों में क्या होते हैं, मकान कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, अर्थात जिसमें क्या है, लोग कम निवास करते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार, अर्थात जो संयुक्त परिवार है वो बटकर एकल परिवार बनने लगे। अर्थात गाँव में तो वो संयुक्त रहते थे, लेकिन गाँव से जब वो शहरों में आए तो शहरों में वो कैसे हो गए, एकल हो गए। संयुक्त परिवार बटने के और भी कई कारण हैं, अर्थात व्यवसाय और शिक्षा के अलावा और भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो संयुक्त परिवार है वो टूटने लगे हैं। अब किस किस कारण टूटने लगे हैं, तब परिवार के सदस्य की संख्या, आदतें, अर्थात परिवार के सदस्य, किसी परिवार में कम सदस्य होते हैं, किसी परिवार में ज़्यादा सदस्य होते हैं, किसी सदस्य की क्या आदत होती है, किसी सदस्य की क्या रुचि होती है, उसके आधार पर, सदस्यों के व्यवहार के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, अगर बड़ा परिवार है और कमाने के स्रोत नहीं हैं, आजीविका के स्रोत नहीं हैं, तो फिर वो धीरे धीरे बटने लग जाता है। आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके, इनमें सब में क्या है, बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, संयुक्त परिवार एकल परिवार बनते जा रहे हैं। ये कुछ प्रश्न है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि एकल परिवार क्यों बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि अपनी कॉपी में सारणी बनाइए और लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्यों होने पर, त्यौहार पर, या कभी नहीं। अर्थात हम कब कब जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके जाते हैं, तो इनमें एक तरफ रिश्तेदारी लिखी हुई है और एक तरफ ये क्या आप इनके साथ रहते हैं, कब कब जाते हैं। तो इनके माध्यम से हम लिख सकते हैं कि हम नानी जी या नाना जी कब जाते हैं, दादाजी के साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, ये सब इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला बिंदु है अपना, वो अगला बिंदु है गोद लेना। अर्थात गोद लेना किसे कहते हैं। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए, ठीक है। अच्छा, इसको अपन ना कल अध्ययन करेंगे, गोद लेना, जो गोद लेना है इसको हम कल पढ़ेंगे।